अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक फिट फाट होंगे। तो आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज का सीन जो है हमारा क्वेटा जा रहे हैं। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि कल डेरा मुराद से हम निकलेंगे क्वेटा, तो आज वो दिन आ गया। टाइम बज रहा है इस वक्त 5:20। अभी हमें निकलना है यहाँ से और रास्ते में इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे। तो अभी मैंने बाइक निकाला बाहर, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कोई भी नहीं है। अभी जो है सूरज थोड़ा थोड़ा तुलू हो रहा है, निकल रहे हैं, यानी कि अभी निकलते हैं आप लोग को और डेरा मुराद जमाली का भी सैर कराते हैं सुबह के टाइम, कि उसका सुबह के टाइम क्या मौसम है और उसका क्या हालत है। ये जो है डीसी चौक, ये है डेरा मुराद जमाली का डीसी चौक, यही है। मैं जो है इस साइड जाना है, ये रास्ता जाता है सीधा क्वेटा के लिए निकलता है। आप लोग नज़ारा करें, ये है डेरा मुराद जमाली। सुबह के टाइम बहुत ही अच्छा दिख रहा है माशाल्लाह। यार ये दरख्त आ गए, अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये सूरज जो है अभी बिल्कुल अभी शुरू हो रहा है, अभी निकल रहा है, ये देख सकते हैं। आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। और हमने जो है डेरा मुराद क्रॉस कर लिया, अभी रास्ते में आ गए। आगे कौन सा शहर आने वाले, आगे लब्बी आने वाला है ना, कि जिसके आगे नौताल आने वाला है लब्बी जो है उसको कोई जानता है कोई नहीं जानता ना, तो देखते हैं आप लोगों से आगे निकल। ये रास्ता जो है आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खराब रास्ता है, टूट गया सारा, यहाँ पे चलने में मुश्किल हो रहा है बहुत। ये जो है 2022 में सैलाब आया था ना बड़ा वाला, तो यहाँ पे पानी रुका हुआ था, जम गया था, इसी वजह से ये इस तरह हो गया, सारा रोड टूट गया। आगे पता नहीं कितने तक आगे है इसी तरह। हम तो यहाँ पर, ये एक छोटा सा शहर रब्बी है, इसके बाद जो है आगे आएगा नौताल, रबी का भी नज़ारा करवाते हैं आप लोग को। मौलाना पंप पे यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं बाइक में, 1300 को बोल दिया, अभी पता नहीं फुल होगा कि नहीं। हम लोगों ने जो है किया लालच, यानी बोलते हैं ना कि लालच बुरी बला है। हमने डेरा से नहीं डलवाया पेट्रोल, हमने कहा कि यार रब्बी से डलवाएंगे, रब्बी में जो है मौलाना पेट्रोल पंप है, यहाँ पर सस्ता मिलता है। तो हम यहाँ पर जब पहुँच गए तो हम लोगों ने देखा कि यार 230 रुपये दे रहे हैं, वहाँ पे जो है 220 रुपये था। तो हमने लालच किया ना, लालच बुरी बला है, कहते हैं लालच बुरी बला है, बस हमको जो है महंगा पड़ गया। ये जो है बाबा रेस्टोरेंट, यहाँ पर हम चाय पीते हैं, उसके बाद फिर वापस अपना सफ़र जो है वापस क्वेटा की तरफ दोबारा कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से चाय पीते हैं उसके बाद निकलते हैं। बाइक जो है खड़ा हुआ है, बहुत ही गर्म हो चुका है। हमने जो है ऑर्डर दे दिए 2 चाय और 2 पराठे का, लेकिन अभी तक जो है हमारा ऑर्डर नहीं आया है। ये भाई साहब लाएगा हमारा ऑर्डर, जब तक आए चाय पराठा। अभी करते हैं नाश्ता, चाय पीते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से, आगे मिलेंगे आप। ये जो देख रहे हो ये मेरे बाइक में लगा हुआ था, तो पंचर किया इसको, अभी जो है भाई पंचर लगवा रहा है, ट्यूब चेंज कर रहे हैं ना, ट्यूब ख़त्म हो गया। हाँ ये भाई इसके ऊपर बैठा हुआ था, इस तरह किया, मैं लिफ्ट लेके यहाँ तक आ गया, हमारा जो है मोटरसाइकिल वहाँ पीछे पंचर हो गया, जहाँ पे हमने चाय पिया था, चाय पी के थोड़ा आ गया, ये तो पंचर हो गया। अभी जो है हम लोग इंटर हो चुके हैं बोलान में, ये रहा बोलान, और बाइक पर जा रहे हैं इस वक्त, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम है। आगे जाके आप लोग को अपडेट भी देंगे इंशाल्लाह। आगे जो है रास्ता थोड़ा बहुत ख़राब है, ऐसे जकरिया कह रहे हैं कि देखते हैं आगे। जो है मामा जा रहा है हमारा, जो है इधर ये
मेरा पुल से आ रहे थे ना, एक पत्थर में यार अड्डा टायर लग गया, पंचर अभी उसको बुला रहे, वो नहीं आ रहा यार, अभी इधर देखते हैं शायद होगा पंचर वाला। ये जो है बीबी नानी, हम जो है ख्वार हो गए, इतना जलील हो गए इसके साथ, बाइक के साथ ना। अगला टायर जो है 3-4 मरतबा ये पंचर हो गया, वो अच्छा है, यानी कि उसका टायर भी नया, ट्यूब भी नया डलवाया उसको, अभी ये ज़्यादा पंचर और तभी इसमें एक पुराना ट्यूब डाल दिया है। अभी देखते हैं कि ये कहाँ तक हमें लेके जाएगा, दुआ करो उसको इटा तक पहुँच जाए खैर वाफियत से। बहुत ही जलील हो गए यार, इतना ख़र्चा करवाया ना इसने कसम से, क्या बताऊँ। तो अभी यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट करेंगे, थोड़ा सा नहाएंगे और फिर वापस यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर जो है थोड़ा नहा लेते हैं, ये मैं हूँ तो डुबकी वगैरह लगाते हैं, वो बाइक जो है वो वहाँ पर खड़ा हुआ है। ये पानी यार इतना स्लो चल रहा है फिर भी ऐसे खींच रहा है, पता नहीं क्यों, इस वजह से यार इसको पानी में जखर के डुबा दूँ, नहीं इसको देखो ये भी इंजॉय कर रहा है और मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है हम लोगों ने छोटा सा डैम बना लिया ताकि यहाँ पर पानी जमा हो, उसके बाद हम अच्छी तरीके से नहा सके। हाँ यार आ जाओ, डैम बना यार, थोड़ा सा मैंने बना लिया है, लेकिन अभी आप लोगों को कुछ एक चीज का नजारा करवाता हूँ, उसके बाद फिर रुको इधर जाऊं अंदर, नहीं इधर नहीं यार, हमने जो है इसको फुल बंद किया, अभी यहाँ पे पानी जो है ज्यादा जम गया, इस साइड से मैंने बंद किया, इधर से थोड़े बहुत बंद किया, ये देखो अभी ज्यादा पानी जमा हो रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ पे इंजॉय करते हैं। हम लोगों ने जो है इंजॉय किया बहुत, अभी ये बाइक भी चेंज कर रहा है और अभी निकलते हैं, बाइक उठाते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से इंशाल्लाह आगे मिलते हैं। यकीन करो ना मच से ग्रास हो गए, इतना ठंडा मौसम आया है, मज़ा ही आ रहा है, बहुत ही मज़ा। इन बाइक को देखो, वो भाई बैठ गया, ये खड़ा हुआ था, इतना ठंडा है माशाल्लाह, और मोटरसाइकिल बिल्कुल भी चढ़ाई पे नहीं जा रहा है, इसका जो है फील थोड़ा कम पे रखा है इसी वजह से। ये देखो यार कसम से इतना जल्दी अचानक अचानक इतना तेज बारिश स्टार्ट हो गया यार, बस मोबाइल छुपाते हैं अभी। ये देखो जो है बारिश बहुत ही तेज चल रही है, हम लोग जो है इतना हम गीला हो चुके हैं फुल, अभी निकलते हैं जकरिया आगे। भाई कसम से यार कोई जा आ गए, बहुत ही मजा आ रहा है। ये देखो बारिश में हम इधर से थोड़ा थोड़ा बारिश किया लेकिन किया बहुत ज्यादा, ये देखो फुल गीला हो गया और रास्ते में जा रहे हैं, रास्ता भी फुल गीला हुआ, ये ओवरटेक कर रहा है यार, अल्लाह जाए देवे। घर पहुंच गए, अभी तो अपना घर नहीं पहुंचा, अभी ये जकरिया का जो है इसी के घर में आ चुका हूँ यहाँ पर, तो यहाँ से इसका बाइक उठाते हैं और मैं अपने बाइक पर, वो अपने बाइक पर, यहाँ से निकलते हैं फिर हमारे घर वहाँ पर जाते हैं। पहले गया था मैं खैर भाई के घर,
उसके साथ मीटअप हुआ और उसने हमें चाय पिलाया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी निकलते हैं फिर अपने घर के लिए, फिर आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह वहीं पर। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग का भाई जो है अपने घर पहुंच गया, अभी मीर असद के साथ बैठे हुए हैं। साले आपका घर नहीं है, ये भूल मेरा है, घर तो भाई आपका घर हो या मेरा घर हो, मामू के घर आ। ठीक है, इस वक्त मामू असदुल्लाह के घर में बैठा हूँ, व्लॉग कंटिन्यू कर रहा है, खुद सामने बैठा हुआ है, इसका हालत कुछ ठीक नहीं है, इसको व्लॉग में नहीं ला सकता। नहीं ला सकता, क्यों? मैं नंगा हूं। ये देखो चेहरा दिखाओ, अभी देखा रहे चेहरा, खुद को छुपा रहा है। अच्छा, मैं चल रहा हूँ। आज जो है यार इतना बड़ा सफर हम लोगों ने तय किया, यानी कि ट्रेवल करके वहां से यहां तक पहुंच गए, बहुत ही थक चुके हैं यार। नवीद वालों से मिला था मैंने, तो मोबाइल जो है घर पे रखा हुआ था, उसके साथ जो है व्लॉग नहीं बना सका ना, तो आज का व्लॉग को करते हैं यहीं पेंड। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।